नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शिवम गोस्वामी और आप सभी देख रहे हैं बिहार स्टेट टेस्ट बुक यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.6 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने प्रश्नावली 3.1 2 3 4 तथा 5 ये सब अच्छे से बता दिया। अगर आपने अभी तक वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। तो देखिये हमारे लिए प्रश्नावली 3.6 है, इसमें क्या है, हमें समीकरण के युग्म दिए हुए हैं, उसको सबसे पहले हमें रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है और उसके बाद हल करना है। हल करने का मतलब हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं हम इसको किस तरह से हल करेंगे। हम लोग देख रहे हैं प्रश्न 3.6 का प्रश्न संख्या 1 का 1 नंबर। हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या सब हमें दे रखा है, समीकरण युग्म दे रखा है हमें। पहला दे रखा है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, ठीक है, तथा उसके बाद क्या दे रखा है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6, ये दे रखा है हमें। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना। रैखिक समीकरण युग्म का मतलब उसका मानक रूप अगर बात करें तो यही ना होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यही होता है रैखिक समीकरण का मानक रूप। तो इस तरह से हमें बदलना है। यहाँ पे हम देखेंगे तो x जो है वो नीचे, अगर ऊपर ले जाएंगे तो उसका पावर माइनस में हो जाएगा, और जबकि हम जानते हैं कि समीकरण में जो हमारा चर मान होता है उसका पावर जो है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, ना ही पूर्णांक में होना चाहिए, ना 1/2 ना -1 -2 -3, इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से है तो वो समीकरण नहीं है हमारा। तो हमें सबसे पहले इसको रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसमें भी हम देखेंगे कि इसमें 1/x लिखा है, इसमें भी 1/x लिखा हुआ है, इसमें 1/y लिखा हुआ है और इसमें भी 1/y लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे मान लेंगे, लिखेंगे माना 1/x बराबर m तथा 1/y बराबर n। हमने क्या किया, ये जो चर मान था 1/x इसको m मान लिया, एक दूसरा चर मान लिया और 1/y जो है उसको n मान लिया। अब लिखेंगे यहां पे, देखेंगे तो ये क्या है, अगर कहीं कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 1/2x, तो इसका मतलब क्या होता है 1/2 × 1/x, यही होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे 1/2 × 1/x प्लस यहां पे भी वही हो जाएगा 1/3 × 1/y बराबर क्या है हमारा 2, यहां पे 1/2 दिए 1/x की जगह मल्टीप्लाई एम प्लस 1/3 दिए मल्टीप्लाई 1/y की जगह एन बराबर कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब क्या करना है हमें, m को 1 में गुना करेंगे तो m/2 हो जाएगा प्लस n को 1 में करेंगे तो n/3 हो जाएगा और बराबर कितना है 2। अब 2 और 3 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, यहां पे हमने 6 दे दिया, 2 के पावर में 6 3 बार, 3 को m से गुना किया 3m प्लस 3 के पावर में 6 2 बार, 2 को m से गुना करिए तो 2m बराबर कितना है 2। फिर यहां से 3m प्लस 2n बराबर 6 जो भागा में उधर जाने का गुना में बदल जाएगा, तो 2 गुना 6 कितना हो जाएगा 12। अब हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, जो समीकरण हमें दे रखा था उसको हमने रैखिक समीकरण के रूप में बदल दिया और वहां पे समीकरण 1 मान लिया। अब हम लिखेंगे तथा, यहां लिख देते हैं तथा, इसी तरह यहां पे जब दूसरा समीकरण हमें दिया हुआ उसमें भी क्या होगा 1/3 × 1/x प्लस 1/2 × 1/y बराबर क्या है 13/6, यहां पे लिखेंगे 1/3 × 1/x की जगह कितना रखेंगे इधर भी m प्लस 1/2 × 1/y की जगह कितना रखेंगे n बराबर कितना है 13/6, ठीक है। अब उसके बाद 1 को m में गुना किए और नीचे 3, तो इसका मतलब m/3 प्लस 1/2 का n में गुना करेंगे तो n/2 बराबर कितना होगा 13/6। 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 के पार में 6 2 बार, 2 को m से गुना करेंगे 2m प्लस 2 के पार में 6 कितना बार 3 बार, और 3 को n से गुना करेंगे तो 3m बराबर हमारे यहाँ कितना होगा 13/6। ये 6 कट गया क्योंकि देखिए काटते हम लोग कैसे हैं, बराबर के दोनों साइड अगर अंश सेम है तो अंश कटेगा और हर सेम है तो हर कटेगा। यहाँ पे दोनों साइड क्या है, बराबर के दोनों साइड हमारा हर सेम है, हर सेम है, इसलिए हमने क्या किया हर को हर से काट दिया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2m + 3n बराबर 13, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब
समीकरण एक हमें प्राप्त हो गया, समीकरण दो हमें प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, किसी भी विधि का प्रयोग करके हमें हल ज्ञात करना है। हल ज्ञात करना है इसका मतलब एम और एन का भी मान निकालना है। अब एम और एन का मान किस विधि से निकालेंगे जो हमें ज्यादा सरल हो जाए, तो यहाँ पे हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। विलोपन विधि का मतलब एक चर को विलुप्त करने की विधि। तो यहां पर हम लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा हम क्या करेंगे, यहां से किसी को भी हटा देते हैं। जैसे कि n को ही अगर हम हटाना चाहें तो n का गुणांक यहाँ पे 2 है और यहाँ पे n का गुणांक 3 है, तो समान करने के लिए इसका क्या करेंगे, अगर एलसीएम ले लेते हैं तो 6 आता है, तो इसका मतलब 2 को 6 में बदलने के लिए 3 से गुना। तो समीकरण एक में पूरे समीकरण एक में 3 से गुना करेंगे, ये नहीं कि सिर्फ 2n में हम 3 से गुना करें, ऐसा नहीं होता है। समीकरण एक जो हमारा समीकरण एक पूरा है 3n प्लस 2n बराबर 12, इस पूरे में हम किससे गुना करेंगे, 3 से। तो यहां पे हम लिखेंगे समीकरण एक में 3 से तथा, अब समीकरण दो में n का गुणांक क्या है, 3, और इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे, इसका मतलब पूरे समीकरण में हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तथा समीकरण दो में 2 से गुना करने पर। अब देखिए क्या होगा, समीकरण एक में 3 से गुना, समीकरण एक हमारा क्या है, लिखेंगे 3m प्लस 2n, इसमें 3 से गुना, मतलब बाई तरफ भी 3 से गुना और दाई तरफ भी 3 से गुना, तो बाई तरफ हमने 3 से गुना कर दिया, बराबर 12 लिखा, और दाई तरफ भी 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना कर दिया। अब क्या करेंगे, ये जो 3 है वो एक बार इसमें गुना होगा और एक बार 2n में, 3 को 3m से गुना किया तो 9m, प्लस 3 को 2n से गुना किया तो 6n, बराबर 12 को 3 से गुना किया तो 36। अब इसको हम समीकरण क्या कर लेंगे, 3 मान लेंगे, मान लिए, तथा अब क्या होगा, समीकरण दो में हमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से। समीकरण दो है हमारा 2m प्लस 3m, इसमें 2 से गुना करना, मतलब बाई तरफ भी 2 से गुना करना और दाई तरफ भी 2 से गुना करना, तो बाई तरफ हम 2 से गुना करेंगे और दाई तरफ कितना है, 13, 13 में भी हम 2 से गुना करेंगे। 2 को 2m से गुना किया 4m, प्लस 2 को 3m से गुना किया 6m, बराबर 13 को 2 से गुना किया 26, और ये समीकरण कितना हो गया, 4, ठीक है। अब देखिए समीकरण 3 और 4 से अब हम क्या करेंगे, n को, n का गुणांक हमने सेम कर दिया, अब इसको हटाना है, दोनों को विलुप्त करना है, तो विलुप्त करने के लिए अगर चिन्ह समान हो तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, सॉरी माफ करिए, समीकरण 2 को नहीं, यहां गलती लिखा गया, समीकरण 4 को, 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से, मैंने आप लोग को बताया जिसमें भी में से शब्द का प्रयोग हो, में से उस समीकरण को हम पहले लिखते हैं, तो समीकरण 3 में से, मतलब समीकरण 3 को पहले लिखेंगे, 9m प्लस 6n बराबर कितना, 36, और दूसरा वाला समीकरण नीचे उतरेगा, 4m प्लस 6n बराबर कितना है, 26। हमें क्या करना है, घटाना है, घटाने का मतलब चिन्ह को परिवर्तित करना पड़ेगा, तो ये जो प्लस है वो माइनस, ये प्लस है माइनस, और ये प्लस है तो माइनस, यहाँ पे 6n प्लस में और नीचे 6n माइनस में हो गया, तो ये कट गया, 9m में से 4m घटा तो कितना बचा, 5m बराबर 36 में से 26 जाना, तो कितना होता है, 10 बचता है, यहाँ 10, 5 से घटा ये 10 दो बार, क्यों घटा, क्योंकि ये 5m का मतलब 5 गुना m, और 5 उधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहां से हमें m बराबर कितना प्राप्त हुआ, m बराबर 2। अब m बराबर 2 प्राप्त हुआ, अब इस m बराबर 2 के मान को हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, उससे हमारा क्या प्राप्त होगा, n का मान प्राप्त होगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे m बराबर 2 का मान समीकरण किसी में भी रख दे, किसी में भी रख सकते हैं, 3 में ही रख देते हैं, समीकरण 3 में रखने पर,
समीकरण तीन हमारा क्या है, 9m, 9m मतलब 9m, 9m का मतलब 9 गुना m, यही होता है। तो लिखेंगे 9 गुना m की जगह 2 प्लस 6m, 6m बराबर 36। 9 का 2 से गुना किया 18 प्लस 6m बराबर कितना है यहाँ पे 36। हमें n का मान याद करना है तो n को बाई तरफ रखना पड़ेगा, तो यहाँ तो 6n अभी उतारेंगे और ये जो 18 प्लस का है वो उधर जाके माइनस में बदल जाएगा, तो 36 माइनस 18, यहां से क्या मिलेगा 6n बराबर 36 में से 18 के कितना बचा 18 बचा, यहां से हम लिखेंगे n बराबर ये 6 गुना में, तो इधर आके भागा में तो भागा कट गया तीन बार में, यहां से हमें n बराबर कितना प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ। तो m का मान हमें 2 प्राप्त हुआ और n का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ। लेकिन एक बात बताइए, हमसे प्रश्न में क्या m और n का मान पूछ रहा था? नहीं ना, हमसे तो प्रश्न में जो समीकरण दिया उसके हल याद करने और समीकरण में x और y दे रखा था, तो हमें तो x और y का मान निकालना है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे कुछ देर पहले जो मैंने लिखा था माना था क्या, 1/x बराबर m और 1/y बराबर m, तो बस उसी में m का मान 2 और n का मान 3 रख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब m बराबर 2 तथा n बराबर 3 रखने पर इसका मतलब हम लोग जानते हैं 1/x को हमने कितना माना था m माना था, तथा 1/y को हमने कितना माना था n माना था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/x बराबर m की जगह 2 तथा 1/y n की जगह 3। बहुत तरीका है बनाने का, या तो कोना कोनी गुना कर दीजिए, जो सबसे आसान तरीका आप लोग को समझ में आ जाएगा। x को 2 से गुना किए 2x बराबर 1 को 1 से गुना किए 1, यहां से x बराबर क्या आया 2 गुना में था तो इधर भाग में चल गया 1/2। 1 को 1 से गुना किए 1 और y को 3 से गुना किए तो 3y बराबर हमारा कितना है 1, तो यहां से y बराबर कितना आएगा 1/3, 3 गुना में उधर भाग में चल गया। तो हम यहां पे लिखेंगे अतः x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया प्रश्न संख्या 1 का 1 नंबर। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का 2 नंबर कि उसको किस तरह से हल करना है। अब हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 1 का 2। देखिए प्रश्न संख्या 1 का जितना भी प्रश्न है हमारा 8 का 8 प्रश्न है, सबको इसी तरह हमें हल करना है। यहां पर भी हमें प्रश्न संख्या 1 के 2 नंबर में क्या दे रखा है, समीकरण दे रखा है, उसको पहले रैखिक समीकरण के रूप में बदलेंगे, एम एन मान के एबीसी मान के आप कुछ भी मान सकते हैं लेकिन बस एक्स वाई नहीं मानिएगा, और फिर उसके बाद हमें हल याद करके बराबर कर देना। तो यहां पर हम लिखेंगे दिया है क्या, सब दिया हुआ है हमें, जो समीकरण दिया हुआ है वो हम लिख देते हैं 2/√x प्लस 3/√y बराबर कितना दिया हुआ है 2 तथा 4/√x माइनस 9/√y बराबर कितना दिया हुआ है यहां पे हमें माइनस 1, और हमें एक्स और वाई का मान याद करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे, माना, मानने का तरीका क्या है, यहाँ पे हमें रूट एक्स दिख रहा है 1/√x, यहाँ पे भी 1/√y दिख रहा है, यहाँ पे भी 1/√x, यहाँ पे भी 1/√y, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे मानेंगे 1/√x बराबर कितना एम मान लेते हैं तथा 1/√y बराबर एन। सोचने वाला बात यह है कि हमने डायरेक्ट रूट एक्स बराबर एम क्यों नहीं माना, इसलिए नहीं माना क्योंकि अगर हम रूट एक्स बराबर एम मानते हैं तो यहाँ पे 2/m हो जाएगा, और फिर उसको क्या करेंगे 2 गुना 1/m लिखेंगे और 1/m ऊपर चल जाएगा तो माइनस में चल गया। लेकिन मैंने आपको बताया समीकरण बनने के लिए जो पावर होता है, जो घात होता है, वो हमारा पूर्ण में होना चाहिए, पूर्ण में मतलब 0 से 0, 1, 2, 3, 4 कुछ ऐसा होना चाहिए, तो माइनस 1 चला गया, तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ रूट एक्स को डायरेक्ट एम नहीं माना, 1/√x को एम माना।
लिख लिया इतना, अब हम क्या करेंगे लिखेंगे, इसलिए यहां पे क्या होगा, दो गुना एक बटे रूट एक्स प्लस तीन गुना एक बटे रूट वाई बराबर कितना है दो। यहां से दो गुना एक बटे रूट एक्स को हम लोग मानेंगे एम प्लस तीन गुना एक बटे रूट वाई को हम लोग मानेंगे एन बराबर कितना है दो। तो यहां से दो एम प्लस तीन एन बराबर दो, इसको हमने मान लिया समीकरण एक। ठीक है, फिर हम लिखेंगे तथा यहां पे क्या है चार बटे रूट एक्स है, तो यहां पे हम लिखेंगे चार गुना एक बटे रूट एक्स प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस दे रखा है हमें, माइनस नौ गुना एक बटे रूट वाई बराबर माइनस वन। तो यहां पे कितना हो जाएगा चार गुना एक बटे रूट एक्स को हम लोग क्या करेंगे एम मानेंगे, तो यहाँ एम माइनस नौ गुना एक बटे रूट वाई को हम लोग क्या मानेंगे एन बराबर यहाँ पे माइनस वन। तो चार गुना एम चार एम माइनस नौ एन बराबर माइनस वन, इसको हम लोग क्या कर लेंगे समीकरण दो मान लेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एन को विलुप्त करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि एन का गुणांक यहाँ माइनस नौ है और यहाँ पे तीन है, इसमें अगर तीन से गुना कर दिए तो यहाँ नौ हो जाएगा और फिर बाद में दोनों को जोड़ देंगे तो हट जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा हम क्या करेंगे समीकरण एक में तीन से गुणा करेंगे, समीकरण एक में तीन से गुणा करने पर, समीकरण एक में तीन से गुणा करना मतलब बराबर के बाई तरफ और बराबर के दाई तरफ दोनों तरफ तीन से गुणा करना है। तो यहां पे हम लिखेंगे दो एम प्लस तीन एन, इसमें गुना हो जाएगा तीन और बराबर यहां दो में गुना हो जाएगा तीन। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, तीन को इसमें गुना किए छ एम प्लस नौ एन बराबर कितना छ, यहां पे हम इसको मान लेते हैं समीकरण तीन। अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण तीन तथा दो से यहां पे लिखेंगे, समीकरण तीन तथा समीकरण दो का योग करने पर, योग करने पर हम क्या पाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण तीन जो कि हमारे यहां पे है सिक्स एन प्लस सिक्स एम प्लस नाइन एन बराबर कितना है छ, छ लिख दिए। और नीचे समीकरण दो लिखेंगे, समीकरण दो है हमारा चार एम माइनस नौ एन बराबर कितना है माइनस एक। अब जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जोड़ते समय तो चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है, जो माइनस में वो माइनस जो प्लस में वो प्लस, ये 9n 9n कट गया, यहाँ 6m में 4m जुड़ा तो 10m बराबर 6 में माइनस एक जोड़ना है मतलब 6 में से एक घटाना है, 6 में से एक घटाते हैं तो 5 होता है। यहाँ से m बराबर ये 10 गुना में था उधर भाग में चल गया 5 बटे 10, ये एक बार ये दो बार 5 के पार से कट गया तो m बराबर कितना आया 1 बटे 2 आया। अब m बराबर 1 बटे 2 आया तो हमें m का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे m बराबर 1 बटे 2 का मान समीकरण किसमें रख देंगे, किसी में भी रख दीजिए एक दो तीन आप जिसमें रखना चाहे एक में ही रख देते हैं वहां जल्दी आसानी से कट जाएगा। समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर हम क्या पाएंगे, यहां पे लिखा है दो एम, दो एम का मतलब क्या होता है दो गुना एम होता है तो दो लिखेंगे, गुना एम की जगह एक बटे दो रख दिए प्लस तीन एन बराबर दो, ये दो कट गया, यहां कटने के बाद एक बचा प्लस तीन एन बराबर दो, हम यहां लिखेंगे तीन एन, ये प्लस दो उधर गया तो माइनस का एक सॉरी प्लस एक उधर गया तो माइनस का एक और दो में से एक गया तो कितना बचेगा दो माइनस एक का मतलब तीन एन बराबर कितना बचा एक, यहां से एन का मान कितना है एक बटे तीन। तो यहां पे हमें एम का मान एक बटे दो मिला और एन का मान एक बटे तीन मिला, लेकिन हमें तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना था, तो अभी हम क्या करेंगे यहां पे लिखेंगे अब एम बराबर एक बटे दो तथा एन बराबर एक बटे तीन रखने पर, रखने पर किसमें रखने पर जो हमने माना था उसमें रखने पर, तो यहां पे हम क्या पाएंगे
कि यहां पर है 1 बाय रूट एक्स बराबर हमारा m तथा 1 बाय रूट वाई बराबर है हमारा n। ये चीज आप पाएंगे। अब देखिए हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। यहां से हमें x और y का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 बाय रूट एक्स बराबर कितना मिलेगा हमें, m बराबर 1/2 मतलब 1/2 एंड 1 बाय रूट वाई बराबर कितना हो जाएगा 1/3 मतलब 1/3। अब यहाँ कोना को नहीं गुना होगा, 2 को 1 से गुना किए 2 और रूट एक्स को इससे गुना किए तो रूट एक्स, रूट एक्स बराबर कितना है 2 तथा रूट वाई बराबर कितना आएगा 3। हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर क्योंकि हमें x का मान याद करना है। x का मान याद करने का मतलब हमें रूट से बाहर निकालना है और वो कोई भी चीज रूट से बाहर कब निकलते हैं जब उसका हम वर्ग करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट एक्स का वर्ग होगा और यहां 2 का वर्ग होगा, यहां रूट वाई का वर्ग होगा और 3 का वर्ग होगा। यहां से स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो यहां x बराबर 2 का वर्ग कितना होगा 4 तथा स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो y, y बराबर 3 का वर्ग कितना होगा 9। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 4 तथा y बराबर 9। ये क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 1 का 2 नंबर का हल हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसका हल ज्ञात कर लिया कि x बराबर हमारा 4 आया और y बराबर 9 आया। अब हम लोग देखते हैं अगला नंबर, प्रश्न संख्या 1 का 3 नंबर। देखिए हमारा ये जो प्रश्न संख्या 1 का 3 है इसमें 4/x + 3 है, 3y = 14 और दूसरा देखा है 3x - 4y = 23। अब हमें इसको सॉल्व करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 1 का कितना नंबर, 3 नंबर का हल। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है हमें वो लिखेंगे, लिखेंगे दिया है क्या सब दे रखा है हमें, 4/x + 3y = 14 तथा 3/x - 4y = 23 यही दे रखा है हमें। अब यहां पे हमें सिर्फ 1/x को मानने की जरूरत है, y को मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि y का जो यहाँ पे जो घात है, पावर जो है वो हमारा 1 है। और रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है कि पावर कितना होना चाहिए, अधिकतम 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 1 पहले से ही है तो बस हमें इसे 1/x को मानना होगा और वो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना 1/x = m लिखेंगे। इसलिए यहाँ 4/x का मतलब 4 × 1/x से है और +3y = 14। यहाँ पे 4 1/x की जगह m रखेंगे तो 4 × m मतलब 4m +3y = कितना हो जाएगा 14। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1 तथा 3/x का मतलब 3 × 1/x - 4y = कितना है हमारा 23। यहाँ पे 3 × 1/x की जगह हम रखेंगे m तो 3 × m = कितना हो जाएगा 3m - 4y = कितना है 23। इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 2। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें से विलोपन विधि का प्रयोग करके किसी एक चर को विलुप्त करना है। तो सबसे पहले तो हम यहां लिख देते हैं विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा
द्वारा। अब कौन से चर को विलुप्त करना हमारे ज्यादा आसान होगा, यहाँ पे वाई का जो गुणांक है वो चार है माइनस का चार, और यहाँ पे वाई का गुणांक प्लस का तीन है। अगर इस समीकरण में हम चार से गुणा कर दें और नीचे वाले समीकरण में हम कितना से गुणा कर दें, तीन से गुणा कर दें, तो ऊपर 12 हो जाएगा और नीचे माइनस का 12 हो जाएगा और जोड़ने पे वो कट जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण एक में चार से तथा समीकरण दो में तीन से गुना करने पर। समीकरण एक में जब हम चार से गुना करेंगे तो हम क्या पाएंगे, समीकरण एक में चार से गुना करना है इसका मतलब हमें समीकरण के बाईं तरफ तथा दाईं तरफ दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, चार से गुना करना पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहला समीकरण हमारा कितना है, चार एम प्लस तीन वाई, इसमें हम गुना करेंगे चार से, और बाईं तरफ हो गया दाईं तरफ 14 है उधर, उसमें भी चार से गुना करेंगे। यहाँ पे चार को चार एम से गुना किए तो 16m प्लस चार को तीन वाई से गुना किए तो 12y बराबर 14 छक्के कितना होगा 56। ये हमारा समीकरण हम कितना मान लेते हैं, इसको तीन मान लेते हैं, तथा समीकरण दो इसमें भी तीन से गुना करना है तो दो में कितना है 3m माइनस 4y, इसमें भी हम कितना से गुना करेंगे तीन से, और बराबर यहाँ पे 23 और इसमें भी कितना से गुना करेंगे तीन से, यहाँ इसमें तीन बार तीन से गुना करने का मतलब एक बार 3m से और एक बार माइनस 4y से, 3m से गुना करेंगे 9m माइनस 4 को 3 से गुना किया 12y बराबर यहाँ पे कितना हुआ 69। ये समीकरण हमारा कितना हो गया, तीन तक हो गया था चार, ये हमारा समीकरण है चार। अब हम क्या करेंगे, समीकरण तीन तथा चार को अगर योग करते हैं जोड़ते हैं तो ये 12y प्लस का और ये 12y माइनस का, हमारा 12y कट जाएगा। और विलोपन विधि का मतलब भी तो यही होता है कि हमें क्या करना है, एक चर को विलुप्त करना है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण तीन तथा समीकरण चार का योग करने पर, योग करने पर हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, समीकरण तीन हमारा कितना है, यहां है 16m प्लस 12y बराबर कितना है 56, और समीकरण चार में हमारा कितना है 9m माइनस 12y बराबर कितना है 69। योग करने पर हम लोग क्या पाएंगे, योग करने का मतलब चिन्ह को परिवर्तित नहीं करना होता है, जब हम घटाते हैं तभी नीचे वाले समीकरण का चिन्ह हमारा क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो यहाँ 12y प्लस का 12y माइनस का ये कट गया, 16m में 9m जोड़ेंगे तो कितना होगा 25m बराबर, इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 125 होगा, 125 होगा। तो यहां से हमें m का मान प्राप्त होगा, m बराबर 125 बटे ये 25 गुना में तो इधर भागा में 25, एक 25 से कटा 125 पांच बार, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे m बराबर 5। अब m बराबर हमारा 5 हो गया, अब हमें क्या करना है, n तो हमने माना नहीं था तो y का मान ही हमें निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे m बराबर 5 का मान समीकरण किसी में भी रख देंगे, समीकरण या तो हम एक में रख दें या तो दो में रख दें, किसी में भी रख देंगे तो y का मान हमारा निकल जाएगा, एक में रखने पर लिख देते हैं m बराबर 5 का मान समीकरण एक में रखने पर, यहां पे क्या होगा 4m, 4m का मतलब 4 गुना m और m की जगह 5 प्लस 3y बराबर कितना है 14, 4 को m से गुना किए 20, 4 को 5 से गुना किए 20 प्लस 3y बराबर कितना है हमारा 14, यहां से 3y का मान हमें क्या प्राप्त होगा 14, ये 20 प्लस का इधर आके माइनस का चल गया, माइनस का 20 बराबर 3y, 14 में से यहां पे हम 20 घटाएंगे तो माइनस का 6 हमें प्राप्त होगा, और यहां से y बराबर कितना आएगा माइनस 6 बटे 3, ये घटा दो बार, इसका मतलब y का मान हमें कितना मिला माइनस का 2।
तो वाई बराबर कितना प्राप्त हो गया हमें, माइनस का 2, और एम बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया, 5। तो देखिए हमें m बराबर 5 प्राप्त हुआ, x बराबर तो नहीं हुआ है ना, तो हमें तो x का मान भी निकाल, x का मान ही निकालना है। हल ज्ञात करने का मतलब क्या होता है, x और y का मान ज्ञात करना, जो समीकरण में दिया हुआ चर बस उसी चर का मान ज्ञात करना। लेकिन हमने तो दूसरा चर मान लिया था 1/x/5, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि 1/x बराबर कितना है हमारा m है, तो यहाँ पे 1/x और m की जगह कितना रखेंगे, 5। इंप्लीज दैट 5 को तो एक को एक से गुना किए 1 और 1 हो जाएगा, और 5 को एक से गुना किए तो 5x बराबर कितना 1, यहां से x बराबर क्या होगा 1/5, गुना में था भाग में चल गया, तो यहां पे हम लिखेंगे अतः x बराबर 1/5 तथा y बराबर कितना है हमारा, y बराबर निकाल लेते -2। यहां पे खत्म हो गया, ये हमने देखा समी प्रश्न संख्या 1 का 3 नंबर। अब हम आगे देखते हैं 4 नंबर किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का 4 नंबर। 1 का 4 नंबर में भी हमें रैखिक समीकरण, सॉरी समीकरण दिया हुआ है, उसको रैखिक समीकरण में हमें बदलना है और हल ज्ञात करना है। हल ज्ञात करने का मतलब हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए किस तरह से हम करेंगे, हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 1 का 4 का हल। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लिखते हैं दिया है, क्या सब दे रखा है हमें, 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2 तथा 6/x-1 प्लस, सॉरी प्लस नहीं दे रखा है, माइनस 3/y-2 बराबर कितना है, 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग मानेंगे, लिखेंगे माना, क्या मानने की जरूरत है, 1/x-1 बराबर m मान लिए, ठीक, तथा 1/y-2 बराबर हमने कितना मान लिया, n। तो हम क्या करेंगे, इसलिए यहां पे 5/x-1 का मतलब क्या होगा, 5 × 1/x-1 प्लस या 1/y-2 बराबर 2। यहां पे लिखेंगे 5 × 1/x-1 का मतलब m, तो 5 × m का मतलब 5m प्लस 1/y-2 का मतलब n, तो 5m प्लस n बराबर कितना हो गया हमारा 2। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, तथा यहाँ पे इसी तरह हम समीकरण 2 में करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6 × 1/x-1 माइनस 3 × 1/y-2 बराबर कितना है, 1। 6 × 1/x-1 का मतलब हम रखेंगे m, तो 6 × m का मतलब 6m माइनस 3 × y/y-2 का मतलब 3 × n, 3 × n का मतलब 3n बराबर 1। यहाँ पे हमने समीकरण कितना मान लिया, 2, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां से m को विलुप्त करना हमारे लिए ज्यादा आसान होगा विलोपन विधि का प्रयोग करके, क्योंकि यहाँ पे 1 है, एन का गुणांक 3 गुना कर देंगे अगर समीकरण 1 में, तो यहाँ पे भी 3 एन, यहाँ पे भी 3 एन, एक प्लस और एक माइनस जोड़ के यहाँ से 3 एन विलुप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा क्या है, विलोपन विधि द्वारा समीकरण 1 में समीकरण 1 में 3 से
गुना करने पर। समीकरण एक है हमारा 5m प्लस एन, इसमें गुना करेंगे 3 से, इसका मतलब बाई तरफ और दाई तरफ दोनों तरफ हमें गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना होगा, 3 को इसमें गुना करेंगे 15m प्लस 3 को n से गुना किया 3n बराबर 2 को 3 से गुना किया कितना होगा 6। इसको अब हम मान लेंगे समीकरण 3। अब क्या होगा, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 का, समीकरण 3 तथा समीकरण 2 का हम योग कर देंगे। योग करने से 3n और प्लस का और 3n माइनस का हट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ m बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 3 तथा समीकरण 2 का योग करने पर, योग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, यहां पे हम लिखेंगे 6m माइनस 3n बराबर 1, और नीचे समीकरण है हमारा 15m प्लस 3n बराबर 6। मैंने आप सबको बताया योग करते समय नीचे वाले समीकरण का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता, जो जैसा है वैसे ही रहता है। ये 3n प्लस का और ये 3n माइनस का कट गया, यहाँ 15m में 6m जोड़ दिया तो कितना हुआ 21m बराबर 6 में 1 जोड़ दिया तो 7। यहाँ से हमें m का मान प्राप्त होगा, m बराबर 7 बटे 21 गुना में नीचे भागा में आ गया, 7 के पाड़े में एक बार ये 3 बार, तो यहाँ से m बराबर कितना प्राप्त हुआ हमें 1/3। अब m बराबर 1/3 प्राप्त हुआ, इसी से हमें क्या करना है, m का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे m बराबर 1/3 का मान समीकरण किसी में भी हम रख सकते हैं, 1 में 2 में जिसमें रखना चाहे, तो 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा 5m, 5m का मतलब होता है 5 गुना m, और m की जगह 1/3 रख देंगे, प्लस n बराबर कितना होगा 2, 5 को 1 में गुना किया 5 और नीचे 3, मतलब 5/3 प्लस n बराबर कितना होगा 2, यहां से n बराबर हमें प्राप्त होगा 2, ये 5/3 प्लस का था तो इधर आके माइनस में 5/3 हो गया, 2 के नीचे कुछ नहीं था हमारा 1 है, यहां से n बराबर मिलेगा 2 और 3 का एलसीएम 3, यहाँ पे ऊपर 6 माइनस 5, इसका मतलब n बराबर हमारा कितना हो गया 1/3। अब m बराबर भी 1/3 और n बराबर भी हमारा क्या 1/3, तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे ये इसके नीचे का है, यहां पे लिखेंगे अब m बराबर 1/3 तथा n बराबर 1/3 रखने पर, तो यहां पे m हमने क्या माना था 1/x-1, हम लिखेंगे चूंकि 1/x-1 बराबर हमने n माना था, m माना था, तथा 1/y-2 का मान हमने n माना था, तो यहां से 1/x-1 बराबर m, m की जगह कितना होगा 1/3 तथा 1/y-2 का मतलब n और n का मान मतलब 1/3। अब हम क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, 3 को 1 से गुना किए 3 और x माइनस 1 को 1 से गुना किए, तो यहाँ पे x माइनस 1 ही होगा, तो यहाँ x माइनस 1 बराबर 3 तथा y माइनस 2 को 1 में गुना किए तो y माइनस 2 ही रहेगा, y माइनस 2 बराबर 3 को 1 में गुना किए तो 3। यहां से हम x बराबर कितना निकालेंगे, ये माइनस 1 उधर गया तो प्लस 1, 3 प्लस 1, और y बराबर 3 माइनस 2 उधर गया तो प्लस 2, x बराबर 4 तथा y बराबर 5 लिखेंगे, अतः x बराबर 4 तथा y बराबर कितना है 5, ये इसका प्रश्न संख्या 1 का 4 नंबर का हल हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न,
अब देखिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या एक का पांच नंबर। इसमें भी हमें क्या दे रखा है, दो समीकरण दे रखा है, उसको हमें रैखिक समीकरण में बदलना है और फिर उसके बाद हल ज्ञात करना है। हल ज्ञात करने का मतलब हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है यहां पे हमें क्या दे रखा है, सेवन एक्स माइनस टू वाई बटे एक्स वाई वाई बराबर पांच। हम डायरेक्ट इसको नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे इसको डायरेक्ट लिख के नहीं छोड़ेंगे, हम सबसे पहले एक्स वाई से एक बार इसमें और एक बार इसमें दोनों में भागा देते हैं। तो यहां पे क्या होगा, सेवन एक्स बटे एक्स वाई माइनस दो वाई बटे एक्स वाई बराबर ये पांच हो गया। क्या किया हमने, एक्स वाई से एक बार इसमें और एक्स वाई में एक बार इससे भागा दे दिया। अब एक्स वाई सॉरी यहां पे वाई नहीं कटेगा, एक्स से एक्स कट जाएगा और यहां पे वाई से वाई कट जाएगा। तो हम लोग क्या पाएंगे कि यहां पर सात बचा और नीचे वाई माइनस यहां पे दो बचा और नीचे एक्स और बराबर ये कितना है पांच। ऐसे हम सरल करके लिखेंगे ठीक है, और फिर आगे लिखेंगे तथा, और हमारा जो दूसरा समीकरण दिया हुआ है उसको भी हम इसी तरह सरलतम रूप में लिख देंगे। यहाँ पे एट एक्स प्लस सेवन वाई बटे एक्स वाई बराबर कितना है पंद्रह। अब एक्स वाई से एक बार इसमें भाग देंगे तो एट एक्स बटे एक्स वाई प्लस सेवन वाई से एक बार इसमें भाग देंगे तो सेवन वाई बटे एक्स वाई बराबर कितना है पंद्रह। एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, तो यहां पे हमें क्या प्राप्त होगा, एट बटे वाई प्लस सेवन बटे एक्स। वाई तो कट गया ना, यहां पे कितना प्राप्त होगा हमें, सात बटे एक्स बराबर कितना है हमारा पंद्रह। अब हम मानेंगे, अब हम क्या मानेंगे, लिखेंगे माना एक बटे वाई को हमने एम मान लिया तथा तो एक बटे एक्स को हमने क्या मान लिया, एन मान लिया। इसलिए यहां पे क्या है, सेवन बाय वाई सात बटे वाई, सात बटे वाई का मतलब सात गुना एक बटे वाई, तो यहां सात गुना एक बटे वाई माइनस दो गुना एक बटे एक्स बराबर कितना है हमारा पांच है। यहां पे सात गुना एक बटे वाई का मतलब, एक बटे वाई का मतलब यहां पे हम एम रखेंगे, तो सात गुना एम मतलब सात एम माइनस दो गुना एक बटे एक्स का मतलब एन, तो दो गुना एन का मतलब दो एन बराबर हमारा पांच हो गया। ये हमने क्या मान लिया, समीकरण एक। अब यहां पे हमने समीकरण एक माना, हम इसी तरह क्या करेंगे, लिखेंगे तथा, इसी तरह हमारे इससे हम निकालेंगे समीकरण दो। एट वाई का मतलब क्या होता है, एट गुना एक बटे वाई प्लस सात बटे एक्स का मतलब सात गुना एक बटे एक्स बराबर कितना है हमारा पंद्रह। यहां से आठ गुना एक बटे वाई का मान हम एम रखेंगे, तो आठ गुना एम का मतलब आठ एम प्लस सात गुना एक बटे एक्स का मतलब एन, तो सात गुना एन का मतलब क्या होगा, सात एन बराबर हमारा पंद्रह। इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण दो। यहां पे हमने क्या माना, समीकरण दो। अब हम विलोपन विधि का प्रयोग करके किसी भी एचर को विलुप्त करेंगे, तो यहां पर तो पहले हम लिख लेते हैं विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि द्वारा हम क्या करेंगे, समीकरण एक में जब हम देखेंगे तो यहां पे n माइनस में और यहां पे n प्लस में, तो एक प्लस और एक माइनस है मतलब योग करने पे वो आसानी से घट जाएगा, बशर्ते उसका गुणांक सेम होना चाहिए। तो यहां पे गुणांक हमारा सात है और यहां पे गुणांक हमारा दो है, तो दो को सात तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन दो में अगर सात गुना कर दें तो वो चौदह, और सात में दो गुना कर दिए तो भी वो चौदह हो जाएगा। दोनों का गुणांक हमारा क्या हो गया, समान हो गया। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण एक में इसमें सात से तथा समीकरण दो में दो से, गुना करने पर, तो इसमें भी हम सात से और इसमें भी हम सात से गुना करेंगे, तो यहां पे क्या लिखेंगे, सात एम माइनस दो एन इसमें सात से गुना तथा पांच गुना सात
इसमें सात से गुना करेंगे तो सात इसमें गुना होगा 49m माइनस दो इसमें गुना किया तो 14n बराबर कितना हुआ 35। ये हमने समीकरण मान लिया 3 तथा दो में दो से गुना करने पे दो हमारा ये है तो इसमें बाई और दाई दोनों तरफ हमें दो से गुना करना पड़ेगा तो 8m प्लस 7n इसमें दो से गुना बराबर 15 में भी क्या से दो से गुना इसमें दो से गुना मतलब 16m प्लस 14n बराबर कितना होगा 30 और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 3 और 4 में हम देखेंगे तो n का गुणांक समान हो गया और एक प्लस है और एक माइनस है इसका मतलब हमें जोड़ना पड़ेगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे लिखेंगे समीकरण 3 तथा समीकरण 4 का योग करने पर योग करने पर हम क्या पाएंगे यहां पे लिखेंगे 49m माइनस 14n बराबर कितना है 35 और नीचे 16m प्लस 14n बराबर कितना है 30। जोड़ते समय चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है नीचे वाले समीकरण का ये प्लस में है और ये माइनस में कट गया 49 में 65 जोड़ेंगे 16 जोड़ेंगे तो 65m इसमें से जोड़े तो यहाँ पे भी 65 से 65 कट गया तो यहाँ पे m बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ 1। तो m बराबर 1 मिला। अब m बराबर 1 का मान हम किसी भी समीकरण में रख के n का मान ज्ञात कर लेंगे यहाँ पे लिखेंगे m बराबर 1 का मान समीकरण किसी में भी रख देंगे एक में ही रख देते हैं एक में रखने पर एक में रखने पर एक हमारा क्या है यहां पे 7m 7m का मतलब 7 गुना m और m की जगह एक रखना है तो 7 गुना 1 माइनस 2m बराबर कितना है हमारा 5। यहां पे 7 गुना 1 7 माइनस 2n बराबर कितना होगा 5। हमें n का मान ज्ञात करना है तो जिसका मान हमें ज्ञात करना होता है उसको बाई तरफ रखते हैं हम तो बाई तरफ रखते हैं इसका मतलब माइनस दो एन बराबर कितना होगा 5 माइनस 7। ये 7 प्लस का था इधर आके माइनस में बदल गया यहां से माइनस दो एन बराबर 5 में से 7 जाएगा तो माइनस दो एन का मान ज्ञात करना है तो एन बराबर माइनस दो बटे ये माइनस दो गुना में था तो माइनस दो भागा में आ गया और ये पूरा कट गया एक बार यहां से हमें एन बराबर क्या प्राप्त हुआ 1। अब हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे एम बराबर 1 तथा एन बराबर 1 रखने पर हम लोग लिखेंगे एम बराबर 1 तथा एन बराबर 1 रखने पर किसमें रखने पर जहां पे हमने माना था हमने एम किसको माना था वाई को माना था तो यहां पे 1 बटे वाई का बराबर एम तथा 1 बटे एक्स बराबर कितना है एम 1 बटे वाई बराबर एम की जगह 1 रखेंगे ठीक है और यहाँ पे 1 बटे एक्स एन की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे। अब गुना करने का मतलब एन के नीचे कुछ नहीं तो 1 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 के नीचे 1 और यहाँ पे भी 1 के नीचे 1 रख दिए। अब गुना को नहीं गुना वाई को 1 से गुना किया वाई बराबर 1 को 1 से गुना किया 1 तथा एक्स को 1 से गुना किया एक्स और 1 को 1 से गुना किया तो 1। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे लिखेंगे अतः एक्स बराबर 1 तथा वाई बराबर 1 ये क्या है हमारा आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये प्रश्न संख्या 1 का 5 नंबर हमें किस तरह से हल करना है। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 का 5 पूरी तरह से मैंने आपको बता दिया। आगे और भी क्वेश्चन है यहाँ पे 6, 7, 8 तीन प्रश्न और बचे हैं जो हम अगली वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करिए। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबा देते हैं तो हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियोस आएगी उनका अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है बीआर स्टेट टेस्ट बुक। अगर आप अभी तक उसमें नहीं है ज्वाइन हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा उस लिंक पे आप क्लिक करिए एक वीडियो ओपन होगी और उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया जाएगा कि किस तरह से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।